आपको ज़्यादा ना लगे तो मैं ये कहूँगा कि जो फीलिंग्स माँ बाप की होती है जब उसका बच्चा पास होता है, ग्रेजुएट करे या स्कूल में करे, जो खुशी उसको महसूस होती है, वो खुशी एक गुरु को भी होती है। और वो खुशी मुझे आज है कि आज हमारे फिर से कॉन्वोकेशन में बच्चे ये ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने फील्ड में जा रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी सांत्वना मेरे दिल में है, जिसमें अपने आप में सफलता जो महसूस करता हूँ, वो यही हर साल महसूस करता हूँ जब ये बच्चे कॉन्वोकेशन में आते हैं, अपने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। आज 2200 बच्चे चले गए हैं जो मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अच्छी प्लेसमेंट में, और 1100 बच्चे आज पढ़ रहे हैं विशलिंग वुड्स में। अच्छी बात जो सबसे विशलिंग वुड्स के बच्चों में है वो है डिसिप्लिन। अगर आपने देखा होगा कि आज तक 10 साल में कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कभी हमने बच्चों को शिकायत का मौका नहीं दिया, क्योंकि बच्चों को हम बिल्कुल परिवार की तरह रखते हैं, नियम में रखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में रखते हैं, फिर भी हमें उन्हें बताते हैं कि एक परिवार की तरह रहना और खुश रहना, प्रसन्न रहना, जो उन्हें चाहिए वो हम उन्हें देते हैं। तो सबसे अच्छी मुझे खुशी तब मिलती है जब उनके माँ बाप हमें आकर ये कहते हैं कि सुभाष जी, हमें मालूम नहीं कि ये ग्रेजुएशन के बाद बच्चा हमारा कितना सक्सेसफुल होगा, उसकी क्या तकदीर है, लेकिन हमें अच्छा ये लगा कि आपके कॉलेज में ये बच्चे 3 साल पढ़ के एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन गए। जब आपके स्कूल के या कॉलेज के बच्चे बेटर ह्यूमन बीइंग बनकर निकलें, वो प्रोफेशनल डिग्री से भी ज़्यादा सफलता है। प्रोफेशनल डिग्री तो आपका प्रोफेशनल डिग्री है, बट व्हेन दे आर बेटर ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ व्हाट आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेजुएट फ्रॉम विशलिंग वुड्स, बिकॉज ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट की भी एक तालीम शिक्षा हम देते हैं कि आपको दुनिया के साथ कैसे बर्ताव करना है। आपको कोई अपनी ओपिनियन नहीं रखनी है, आपको ओपिनियन सिर्फ अपने बारे में रखनी है, आप खुद में कंपटीशन है, आप खुद से कैसे हर प्रतिदिन मेरा आज का दिन कल से बेटर कैसे है उसको देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है, वो आप देखिए मिरर लेके कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपका जो इंट्रोस्पेक्टिव द स्पिरिचुअल पावर विद इन यू, व्हाट यू आर, दिस इज़ व्हाट वी टीच देम। सिर्फ स्वयं पर ध्यान दो, स्वयं की प्रगति, स्वयं की उन्नति, स्वयं का क्या मैं कर सकता हूँ, वो तभी करोगे जब दूसरों की चिंता तुम छोड़ो। दूसरों की चिंता वो खुद करेंगे, उनके माँ बाप करेंगे, उनका जीवन करेंगे, आप अपने जीवन के बारे में एक अच्छे इंसान बनकर, नेक इंसान बनकर, एक अच्छे सिटीजन बनकर, जो आपका कर्तव्य है वो करते जाओ, आपको राइट्स मिलते चले जाएंगे। ये मुझे बहुत खुशी है जब हमारे बच्चे ग्रेजुएट करते हैं। तो ग्रेजुएट फ्रॉम विशलिंग वुड्स डज नॉट मीन दैट ए प्रोफेशनल डिग्री और ए पर्टिकुलर कोर्स, वी से देयर इज ए सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर ए बेटर ह्यूमन बींग। मैं सिवाय विशलिंग वुड्स के और कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी आपको समझाया कि हमारी अपनी ओपिनियन किसी के बारे में हम नहीं देंगे, हम अपनी ओपिनियन अपने बारे में देंगे कि मुझे स्वयं को, स्वयं का ध्यान रखना है। आप पूछिए विशलिंग वुड्स में क्या हो रहा है, सुभाष के आपके जीवन में क्या हो रहा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, दूसरा क्या कर रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को ही समझाता हूँ, मेरे पास तो जो सामने बच्चे हैं उन्हीं को समझाऊँगा, मैं मीडिया के थ्रू या इनके थ्रू कह के मैं एक ओपिनियन नहीं देना चाहता, ना खिलाफ ना विरुद्ध ना उसके।
आप अपने स्वयं के बारे में सोचिए, आपने क्या किया है, क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। आपका जो भी विचार है, आप अपने प्रोफेशन के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा और अपने द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वही कंट्रीब्यूशन है आपके कंट्री के लिए। दूसरों को क्या करना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है। अगर मेरा काम दूसरों क्या करते हैं तो मुझे वहाँ जाके काम करना चाहिए और वहाँ जाके वो काम करनी चाहिए। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ तो मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए तो फिर मैं कुछ बात कर सकूँ। जब मैं काम कर रहा हूँ, एक फिल्म बना रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, ये लिख रहा हूँ एक्टर, तो मैं यही काम करूँगा कि कितना अच्छा कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ। और मुझे कुछ किसी को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पहला प्रिंसिपल है विश्ली वुड में, एक्सेप्ट ऑल एंड रिस्पेक्ट ऑल। थैंक यू। देखिए, सारे बच्चे माया नगरी में जा रहे हैं, ग्लैमर की दुनिया में, फैशन में, सिनेमा में, मीडिया में, म्यूज़िक में, जहाँ चैलेंज ही चैलेंज है। लेकिन सबके मन में बड़े बड़े सपने होते हैं। सुभाष घई ने विस्लिंग वुड्स के ज़रिए एक रास्ता दिखाया, अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। और हम कोशिश ये भी करते हैं बच्चों को ये बताने की, जब सपने पूरे होने लगे क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि जो बाहर से इतना ग्लैमरस दिखता है वो इतना ग्लैमरस होता नहीं है, उसके पीछे एक स्ट्रगल होती है। और वो विस्लिंग वुड्स में उनको सीखने को मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। सर, विस्लिंग वुड के बच्चों की जो एक सबसे अच्छी बात देखने को मिलती है कि वो कभी प्रोटेस्ट नहीं करते, वो ऐसे कभी रोड पर नहीं आते, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नहीं चलाते, मार्केट नहीं करते। लेकिन इसके कोविड में हम जो दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखते हैं, तो देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन किसने बनाया। सुभाष घई ने बनाया, और सुभाष घई ने अपनी ज़िंदगी में कैसे क्या क्या अचीव किया उससे लोग देखते हैं। तो उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो आत्मा है, वो इस इंस्टीट्यूशन में है। और जो ऊपर से दिखता है, इतना आसान नहीं होता कि हाँ आप आए, अपनी क्लास अटेंड की, पढ़े और चले गए। इसके पीछे बहुत रिसर्च, बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष है। और सुभाष जी ने, मेघना ने इस इंस्टीट्यूशन को बड़े प्यार से बनाया और हर वक्त इस पर नजर, ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया कि इस पीछे चलता रहे। ये दोनों लोग हर वक्त इस इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने दिल से, दिमाग से, आत्मा से इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए मैंने तो यहाँ के बच्चों को जब देखा, स्टूडेंट्स को देखा, उनके चेहरे पर स्माइल है, इतना उत्साह, इतना जोश जो कम इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलता है। नहीं, ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि आज फिर हम 200-250 बच्चों को इंडस्ट्री में भेज रहे हैं। पेरेंट्स के तरह हमको भी थोड़ा डर लगता है कि वो अच्छे रहें, अच्छे से रहें, अच्छे से कामयाबी पाएँ। लेकिन कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि अभी जो 2,500 बच्चे ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बच्चे भी संभल जाएंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। मैं स्पेशली रजत जी का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो आए हमारे कॉन्वोकेशन और इतनी अच्छी स्पीच दी उन्होंने। और जो सबसे अच्छी बात कही उन्होंने कि पेरेंट्स और टीचर्स को मत भूलो। आजकल हम थोड़े जेनरेशन्स में जैसे बदलाव आ रहा है, हम थोड़ा भूल जाते हैं जिन्होंने हमको हेल्प किया है। तो ये जो आपने बोला, रियली इट वाज सो सो गुड एंड आई एम सो हैप्पी दैट आवर स्टूडेंट्स गॉट टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच।